तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपने इसे लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले अगर आपने अपना वी चैट या कहीं क्यों से अपना कोई भी अपना अकाउंट है तो आपने उसे लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको एक पेज दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक पेज दिखाई देगा। तो यहाँ आपको एक अपना एक चाइनीज़ आईडी नंबर डालना होता है और एक अपना चाइनीज़ नेम डालना होता है। तो आपने सिंपली करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो आपने वहाँ पर क्लिक करना है माई फेक आईडी इन्फो का। तो आपने यहाँ से कोई भी एक चाइनीज़ नेम और चाइनीज़ आईडी नंबर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने फिर से वहीं बैक जाना है और आपने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं दोनों, ठीक है। तो फिर आपने नीचे एक क्लिक कर देना है यहाँ पर भी, और नीचे आपको एक राइट साइड में एक ब्लू बटन दिखेगा, तो आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक ऐसा अगर ग्रीन पेज दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका अकाउंट जो मतलब वेरीफाई हो गया, मतलब चाइनीज़ आईडी नंबर जो वेरीफाई हो गया। अगर नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, तो आपने कम से कम 3-4 आईडी नंबर आपने ट्राई करने, तो उनमें से एक आध लग ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको आपको आगे का गेम प्ले करके बताता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट।
शशि।你醒了，赶紧起床吧，衣服已经放在那边了。今天就是圣诞节，一会儿的训练可要好好表现，这都能忘掉你，所以你要加油哦。对了，这是我做的贺卡，你把名字签上就好了。衣服就在那边的椅子上，换好之后就出来吧。零号应该已经在外面了。我的小雷娜塔，那真可惜，北极蔷薇的花期已经过去了。不过，你一直是个幸运的姑娘。继续找吧，不要耽误一会儿的训练就好。明明已经叫过他了，怎么还不来呢？算了，再等他一会儿吧，你可以趁机闲逛。小结巴，我哎，这对了啊，好好吧。零号，喂，哼，一会儿你就知道。我们走吧。啊，又到了像狗一样，没人能。可是，放心吧。那。这次圣诞礼盒就交给你了，快来帮我看看。看起来还是没来啊。以往每年都会在圣诞，哎呀，训练就要开始了，我先走了。明晚的圣诞舞会，你们可要记得提前找好舞伴。
训练要迟到了，快跟上我。抱歉，真是安东，算了，这些人根本就是傻瓜，你们快过去吧，院长在等了。怎么只有院长爷爷？昨天不是？爷爷不要担心，我的小雷娜卡，你真是这冰原上最暖心的小花了。好了，这是你们的武器，一会儿要听好我的指令再行动。这么简单的测试，你们居然用了这么长时间。终于突破了吗？快躲开！送安东回去。雷娜塔，安东他，安东，科尔佐格博士，你应该清楚我代表谁而来。如果你无法展示你的研究成果，我们对孤儿院的资助将立刻终止。看来这一天终于到来了。这还有孩子柯金，我在决真。您晚基因库，我他们既是我的研究对象。今天让我猜，去准备圣诞。对了，首都运来的巧克力喜欢吗？本来准备作为圣诞奖品的，不要告诉别人哦。
说大海的另一边。तो दोस्तों उम्मीद है आज का आपको ये वाला गेम जो मतलब पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर गेम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में एक बेल आइकन को उसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको जो नोटिफिकेशन जो मिल जाए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों यहाँ जो था मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ इंटरनेट जो मतलब बंद कर दिया था तो जिस वजह से मैं जो वीडियो नहीं बना पा रहा था तो यही वजह थी कि मैं वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने वीडियो बना रखी थी कम से कम मतलब जब ये गेम लॉन्च हुई थी 18 तारीख को, लेकिन उससे एक दिन पहले मैंने ये वीडियो बना रखी थी लेकिन यहाँ इंटरनेट नहीं होने के कारण तो मैं ये वाली वीडियो जो अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।